चलिए फ्रेंड्स, आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो सबसे पहले हम देखते हैं हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने क्या कहा था। उन्होंने क्या करा, एक कॉपर वायर लिया, उसमें से जब करंट पास करा ना, तो ये जो कंपास नीडल बराबर में रखी थी वो डिफ्लेक्ट हुई। मतलब इसका क्या कि जो एक कॉपर वायर है ना, इसने भी एक मैग्नेटिक फील्ड ना प्रोड्यूस करा, इसलिए भी तो डिफ्लेक्ट हुई। तो देखिए हैंस ऑर्स्टेड ने क्या कहा था, हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने, इन्होंने हमें हेल्प करी थी अंडरस्टैंडिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, डिस्कवर्ड एट द कंपास नीडल गॉट डिफ्लेक्टेड व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू द मेटलिक वायर प्लेस नियर बाय। तो देखिए कंपास नीडल को जब बार मैग्नेट के पास लाया जाता है तो वो डिफ्लेक्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि कंपास नीडल तो खुद ही एक स्मॉल बार मैग्नेट है। द एंड देखिए, एक बार मैग्नेट तो आपने देखा होगा कुछ इस तरीके का होता है, इसके पास दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। जो नॉर्थ की तरफ पॉइंट करे उसे नॉर्थ पोल कहा जाता है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप नॉर्थ पोल या फिर साउथ पोल कहोगे, आप बोलोगे कि जो नॉर्थ की तरफ पॉइंट करे उसे नॉर्थ पोल बोलते हैं, जो साउथ की तरफ पॉइंट करे उसे साउथ पोल बोलते हैं। तो देखिए एक बार मैग्नेट के अराउंड ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। मैंने अभी बताया था ना कि एक जो कॉपर वायर था वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा था। तो देखिए एक बार मैग्नेट तो ऑब्वियसली करेगा ही ना, तो देखिए वो किस डायरेक्शन में जा रही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो हम देख लेते हैं। तो देखिए नॉर्थ से साउथ पर आउटवर्ड इनवर्ड कैसे जा रहा है, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। देखिए ये वाला आप डायग्राम यूज़ कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को दिखाने के लिए बार मैग्नेट के अराउंड। और देखिए ये चीज़ तो हमें बचपन से पता है कि लाइक पोल्स हमेशा रिपेल करते हैं, अनलाइक पोल्स हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं ये, इस पर आप नज़र घुमा लेना। जैसे कि ये कैसी क्वांटिटी होती है जिसकी डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है। अच्छा ये देखिए ये वाली चीज़ में यही कहा गया है कि वो नॉर्थ पोल से निकल के आउटसाइड द मैग्नेट साउथ पोल जाते हैं और इनसाइड साउथ पोल से नॉर्थ पोल तक जाते हैं। सो ये क्लोज्ड कर्व्स की तरह होते हैं क्योंकि ऐसे मिल रहे हैं पूरे, ये सिर्फ हाफ सेमी सर्कल्स नहीं है बट एक क्लोज कर्व्स हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या बोला गया कि कहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो पोल्स पे ही होगा ऑब्वियसली। यहाँ पे डेंसिटी हमें दिख रही है ज़्यादा, तो यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स की कभी ना इंटरसेक्ट नहीं करती, दे नेवर इंटरसेक्ट। क्योंकि अगर ये इंटरसेक्ट कर गई तो एक पॉइंट पे हम अगर वो रखेंगे कंपास नीडल को, तो वो तो दो डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये लर्न कर लेना, यहाँ से क्वेश्चंस 100% आ जाते हैं कभी कभी।